नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल बाबू इलेक्ट्रिक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में घर में जो LED बल्ब लगाए जाते हैं वो ख़राब हो जाने के बाद उनको आप फेंकना मत, वो घर बैठे आप रिपेयर कैसे करें अपने हाथों से, वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं खुद के हाथों से रिपेयर करके बताने वाला हूँ क्या क्या खराबी हो जाती है, उनको आप कैसे कैसे रिपेयर कर सकते हो, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो भी मित्र हमारे YouTube चैनल पहली बार है, YouTube चैनल से जुड़ने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर बहुत सारे मेरे पास LED बल्ब रखे हुए हैं, अलग अलग खराबी है इनमें। तो इनको कैसे चेक करें कि क्या खराबी है और कैसे रिपेयर करें, वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि LED बल्ब जो होता है उसको आपको जला के देखना है, मतलब होल्डर में लगा के देखना है कि यह कैसी रेस्पॉन्स दे रहा है, मतलब या तो बिल्कुल ही नहीं जल रहा या लिपजी मतलब कुछ जल रहा है और थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है फिर जल जाता है तब। और यदि तो मैंने LED बल्ब लगा दिया है और स्विच को मैंने ऑन कर दिया है, तो स्विच को ऑन करने के बाद इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है, मतलब ये ख़राब है। तो इसमें क्या खराबी हो जाती है, ऐसे बल्ब जो होते हैं उसमें क्या खराबी हो जाती है, कैसे रिपेयर करें, तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला कार्य कि होल्डर में आपको लगा के देखना है, अगर ऐसी जो बिल्कुल ही नहीं जल रहा है तो इसको सबसे पहले आपको पेचकस के माध्यम से या हाथ से औजार से आपको एक खोल लेना है, ऊपर का जो ढक्कन होता है उसको खोल लेना है। अंदर खोलने के बाद आपको एक प्लेट दिख रही होगी और इसमें बल्ब दिख रहे होंगे छोटे छोटे। फिर आपको क्या करना है, दोबारा होल्डर में लगाना है और मार्केट से एक सीरीज आती है, 20 रुपये की सीरीज आती है, चिमटी बोलते हैं उसको, छोटी चिमटी। तो उससे आपको दोनों बल्बों के जो दोनों पॉइंट है उसको चेक करना है, मैं आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहना। होल्डर में लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक सीरीज आती है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सीरीज आती है, जो मेरे हाथ में आपको सीरीज दिख रही होगी ऐसी सीरीज चिमटी टाइप में आती है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे आपको एक एक सीरीज को, एक एक बल्ब को के पॉइंट को चेक करना है। अगर दोस्तों जो भी बल्ब सीरीज को लगाने के बाद जल जाता है, मतलब वो जो पॉइंट है वो ख़राब है, तो उसके जगह पर आपको क्या करना है, उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको एक एक पॉइंट को चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, जो भी पॉइंट पर जो बल्ब जल जाता है मतलब वो पॉइंट ख़राब है, तो उसकी जगह आपको क्या करना है, या तो नई प्लेट लगानी है या क्या करना है वो आपको बताने वाला हूँ। तो दोबारा हम सीरीज को चेक कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा एक एक बल्ब को आप चेक कर रहे हो। तो सीरीज आती है 20 रुपये की, आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो अमेजन फ्लिपकार्ट के माध्यम से। तो दोस्तों जैसे आपको अब दिख रहा होगा ये वाला जो कोने का जो पॉइंट है, ये बल्ब है सीरीज लगाने के बाद जल जाता है, मतलब ये जो पॉइंट है बल्ब है ये ख़राब है। तो इसको आपको पेचकस के माध्यम से या किसी भी औजार के माध्यम से आपको यहाँ से हटाना है। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और हटाने के बाद ये बल्ब को हमने गायब कर दिया है यहाँ से। फिर आपको क्या करना है, सही तरह से साफ करना है और फिर इसकी जगह आपको सोल्डरिंग करनी है। सोल्डरिंग मतलब टाका लगाना है इसको। सोल्डरिंग की मशीन भी आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, 50 से 60 रुपये की आती है, मार्केट में मिल जाएगी, या आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक है तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो, डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो ये टाका लगाने की सोल्डरिंग मशीन होती है, तो आप जिस पॉइंट पर आपने मतलब बल्ब को उठाया था उसकी जगह आपको ये सोल्डरिंग करनी है, मतलब उसको आपको पॉइंट को भरना है। तो रंगा लगा दिया है और इस पॉइंट को भर दिया है, तो मैं चेक करके बताऊंगा कि ये बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा है, या अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो भी बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों सोल्डरिंग मैंने कर दी है, अब दोस्तों सोल्डरिंग करने के बाद आपको होल्डर में जो है वो लगाना है और फिर आपको स्विच को ऑन करना है और देखते हैं कि बल्ब जलता है या नहीं जलता है। तो दोस्तों आपको भी अगर ऐसे बल्ब हो जो बिल्कुल नहीं जल रहा हो तो उसको आप ऐसे चेक करना है, आपको सीरीज 20 रुपये की आती है तो आपको उसके माध्यम चेक करना है और फिर सोल्डरिंग करवानी है। तो आपको दिख रहा होगा मैंने तार लगा दिए हैं और जो बल्ब है वो जल चुका है, तो इसका मतलब जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।